दोस्तों, अगर आप पैन कार्ड एजेंट आईडी लेना चाहते हैं तो कृपया हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पैन कार्ड सेंटर लेने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, बसें बंद हैं, टेम्पू बंद हैं और हमको आना था, तो ये भाई से रिक्वेस्ट करिए, आज ये ले आया कोई ताऊ पर तो साइकिल भी ना। अच्छा, हाँ तो कोई भाई ले आया तो इसमें भी परेशानी होगी। तो सरकार इतना पैसा देती है, क्या करते हो पैसे का? किसे दे दिया पैसा? अगर सरकार का पेट भर जाए तभी तो जनता को देगी, वो तो जनता को मार रही है, सारा पैसा खा रही है। कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोविड में, उनको 15-15 लाख रुपए देंगे, आप उससे खुश नहीं है? अरे पहले 15 लाख दिए तुझे सरकार ने, कहा तो था, और कहने में और करने में बहुत अंतर है। वो तो खुद संसद में कह दिया ना जुमला, तो आप लोग उस बात को क्यों इतना बार बार? तो कल को फिर कह देगा ये जुमला है, इसे भी तो जुमला बता देगा। आज तक प्रधानमंत्री ने जितनी भी बात कही है क्या सारी जुमला थी? तो एक काम और कह दे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ये भी एक जुमला है। लेकिन खच्चर साहब ने भी तो 4,000 रुपये महीने देने को कहा है। अरे खच्चर की कोई बात नहीं होती है, खच्चर का काम होता है वजन ढोना, वो खच्चर है। आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नामों की धक्कियाँ उड़ाते हो डेली, क्या लगता है आपको? क्यों, वो हमें कुछ भी कहें, आतंकवादी कहें, खालिस्तानी कहें, टुकड़े टुकड़े गैंग कहें, माओवादी कहें, नक्सली कहें, हम उन्हें माला डालेंगे। सच में आप ये बता दो कि हो क्या? किसान, लेकिन असली किसान तो खेत पे रहे हैं, असली किसान तो खेतों में हैं। हाँ तो फिर ये नकली किसान सड़कों पे कैसे पड़े हैं? इनको उठा के तिहाड़ में क्यों नहीं बंद करा? अरे तुमने ONGC का डायरेक्टर अध्यक्ष बना रखा है, उसे गोबर पत्र को वो बोलता है प्रधानमंत्री को सीधा मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं, चुप क्यों नहीं करता उनको, क्यों नहीं उन्हें बाहर करता बताइए? और अगर हमारे बोलने से इतना दर्द होता है तो सबसे पहले रामदेव को बंद कर, जिसने कहा है कि भारत में किसी बाई के लाल में हिम्मत नहीं जो मुझे जेल भेज दे। तो हिम्मत किस में नहीं है? देश के प्रधानमंत्री में, देश के राष्ट्रपति में, देश के संविधान में, सर्वोच्च न्यायालय में, या तड़ी पार गृह मंत्री में? तो सच कहा ना, गलत तो नहीं कहा उसने, जो जेल नहीं भेज सकते। सच कहा ना, वो तो अभी कहा था जेल में। हाँ तो सच कहा, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ उसकी औकात क्या है? जब तुम किसी के जाके टुकड़ों पे पलोगे तो फिर तुम उसे काटोगे। तो रामदेव ने तो ये भी कहा है कि एलोपैथिक दवाइयों से लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो फिर अपने बाप बाल किशन को वहाँ ऋषिकेश के एम्स में क्यों भेजा था? और अगर एलोपैथिक दवाई खराब है तो ये उसने एलोपैथिक दवाई के लिए नहीं कहा, भारत के सभी डॉक्टरों का, भारत के सभी साइंटिस्टों का अपमान किया है, और उसके अंदर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा लगा के तिहाड़ जेल के अंदर डालें और उसकी सारी संपत्ति भारत सरकार में दें। लेकिन IMA ने मानहानि का दावा किया, केस किया है, उस पर कोई सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। क्यों लेंगे? जब देश का प्रधानमंत्री जाके उसके चरणों में लौटता हो तो कैसे संज्ञान ले लेगा भाई? जिसका बाप दरोगा उसे कौन, उसे क्या जो खो भाई, कौन पकड़ेगा है? कोई पकड़ लेगा कोई? तो उसी केस में जो मतलब कोई ऑक्सीजन मांग रहा है या कुछ कमेंट कर रहा है तो उनको तो जेल भेज। हाँ तो जो तो वह गरीब जनता है, देश के नागरिक है वे गरीब, उन्हें तो कोई पकड़ लो। अभी आसाम में ऐसी हुआ ना, आप भी बहुत बोलते हैं, आपको कहाँ पकड़ा अभी तक? क्या आपको कहाँ पकड़ा अभी तक? मुझे, अरे मुझे पकड़ लेंगे सारे पुलिस वाले जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, सब सम्मान करते हैं मेरा। तो ये क्यों, वे क्यों करते हैं? कि वो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, वो किसी हरामखोर नेता के बेटे नहीं हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उनको तो आदेश तो सरकार की माननी पड़ेगी ना। हाँ तो करा दे तू आदेश। और ऐसा भी तो हो सके कि अगर आदेश देगा हमें पकड़ने के और वो राइफल घूमगी उन नेताओं की माई को, तो ये असम में क्यों नहीं हुआ, हिसार में है? हिसार में क्यों नहीं हुआ ये? हिसार में, हाँ हिसार में भी ऐसे ही हुआ। ये तो 2-4 मार देख रहे हैं, बालक बालक है, खेलते खाते। अरे कितनी चोट ज्यादा लगी थी? अरे लग जान दे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? आप सरकार में और फौजियों में मतलब आप बगावत करना चाह रहे हो क्या? ना फौजी तो बोलो उल्टा कर देंगे बंदूक कैसे मतलब? अरे करेंगे नहीं, उनका 2-2, 3-3 साल का वो DAPA क्या हो, सारे सेना के जवानों का बंद है, दबा के बैठ गया। और ये हरामखोर नकली सारे जितने भी करप्ट हैं ये संसद में बैठ के जाते हैं, हराम का खाते हैं और तनख्वाह के साथ पेंशन भी लेते हैं। और जो पुलिस में, सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में है,
वो 35-35 साल नौकरी करेगा, हर समय मौत के मुंह में खड़ा रहेगा, कोई ड्यूटी का कोई समय नहीं है, 24 घंटे ड्यूटी करेगा है। और अगर ट्रांसफर होगा तो जनरल डिब्बे में जाएगा लटक करके, और फिर पेंशन भी नहीं। और गाजीपुर बॉर्डर पे आप जो, मैं यहीं की बताता हूँ, आप जाइए, रात अंधी आई, बारिश आई, जो ड्यूटी पे थे सारी रात भीगे हैं। क्यों? कि ना तो टेंट है, ना बैठने के लिए उनके सुविधा है, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए रोटी है। और अगर आप इनका जाके हिसाब लोगे ना, तो इनके नाम से भोजन के पैसे, टेंट के पैसे, पानी के पैसे सारे अधिकारी खा रहे होंगे। लेकिन साहब गलती आपने क्या, तभी तो बैठे हैं यहाँ पे। किसने? आप यहाँ बैठे, आपकी सुरक्षा में बैठे। अगर वे हमारी सुरक्षा में बैठे हैं तो उनको सुविधा देना सरकार का काम है, मेरा काम है। अगर वे लंगर में भोजन ना खाएं, लंगर में पानी ना पिए, लंगर में चाय ना पिए, तो भूखा मर जाएगा यहाँ पे जो पुलिस का जवान बैठे हैं। अब आप पुलिस की भी लड़ाई लड़ेंगे? क्यों, पुलिस में हमारे ही तो बेटे हैं, और कौन है? आप पहले तो किसान आंदोलन लड़ रहे थे, आप डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? पूरा ठेका आपने ले रखा, पूरे देश का ठेका आपने ले रखा। हाँ, हमने ले रखा, बताओ क्या कहो। अरे पुलिस में हमारे बेटे, तभी तो सरकार आपको आंदोलन जीवी देती है, जब आपने ठेका ले रखा है सब चीजों का। अरे आंदोलन जीवी तो हम है, हमने कौन सा मना करी, फक्र है हम आंदोलन जी। तो अंदर नहीं गया, लेकिन आप जरूर चले जाओगे। रामदेव अंदर नहीं गए, आप जरूर चले जाओगे। देखिए आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले खाना फ्री। आपका नंबर हो जेल तो जेल तो, अरे देखिए हमारे बाबा टिकैत जी और चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, वो जेल का रास्ता हम लोगों को दिखा के गए हैं। और मैं किसी भ्रष्टाचार में या कहीं चोरी में जेल नहीं जा रहा हूँ। आंदोलनकारी तो जेल जाते हैं, तो जब जेल जाऊँगा तो ये दीवाने कहाँ चले, कहाँ चले, ससुराल चले, ससुराल चले। तो आंदोलनकारियों की ससुराल ही जेल है। जैसे नेता लोग अपने फेमस होने के लिए बयानबाजी करते हैं, वैसे ही आप लोग अब करने लगे। तो सरकार क्यों करा रही है कि तीनों काले कानून वापस ले, MSP पे गारंटी का कानून बनाए, किसान अपने घर, सरकार अपने घर। नहीं, अब कई संगठन अलग भी तो हो रहे हैं आपसे। कौन हो गया? जैसे चटुनी ने अलग अपना संगठन बना लिया। वो तो उसके तो पहले भी अलग थी, ये संयुक्त किसान मोर्चा है, ध्यान रखना 500 से के करीब इसमें संगठन जुड़े हुए हैं एक साथ। अब एक फाउंडेशन जो बनी है नई सिंधु बॉर्डर पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी है, तो वही लोग जो पहले से संयुक्त किसान मोर्चा में, और अगर उस फाउंडेशन बनने में कुछ और भी लोग जुड़ते हैं और अच्छी बात है। संयुक्त किसान मोर्चा कहते हैं भाई, राकेश कहते भारतीय किसान यूनियन कहते हैं, ऐसा क्यों आप लोग दो फर्क क्यों करते हैं? नहीं, वो क्या कहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का हेड ऑफिस सिंधु बॉर्डर है, और वो राकेश टिकैत जी उस संयुक्त किसान मोर्चा में भी है, और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, दोनों का। यार हम भी तो उसी भारतीय किसान यूनियन के सिपाही हैं। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी दिखाई नहीं देते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन नरेश टिकैत जी आते नहीं है। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? नरेश टिकैत जी कुछ नरम पड़ते हैं तो फिर राकेश टिकैत जी हाई हो जाते हैं, तो फिर दोनों में तालमेल नहीं है क्या? कौन कहता है? देखिए ये परिवार में आप इस तरह के शब्दों का यूज ना करें। वे चार भाई हैं, और चारों भाई ऐसे हैं जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई। राकेश टिकैत जी ने कभी बात करने को मना नहीं किया, कभी नहीं किया। मुझे बताओ, गांव वाले खुद ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे आंदोलन में लोग बैठे? ऐसा जिसने भी आपसे बताया उसने सबसे बड़ा झूठ बोला है, क्योंकि मैं भी गया था उस गांव में, और जिधर से घुसा और लास्ट तक मुझे इतना प्यार मिला उस गांव से, तो राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी तो उनके सबसे बड़े सर्वे सर्वा। लेकिन आप लोग पहले महापंचायतें करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, अब बंद है? अरे कोरोना की वजह से महापंचायतें अभी बंद है, इस कोरोना महामारी की वजह से। जैसे ही महामारी कम होगी आप देखना महापंचायतें भी होंगी, और बॉर्डर पर सैलाब भी होगा।